सुनीता नेगी, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना YouTube चैनल किन्नौरी क्वीन में। तो यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को आज किससे मिलवाने मैं अपना शुभ नाम बताऊँ, मैं योगी बैरियान हूँ, मैं चगांव से हूँ और मैं संगीत का प्रेमी हूँ। मैं संगीत किन्नौरी संगीत के लिए थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने कल्चर को प्रिजर्व करूँ। तो मैं आज अपने नए शूट के लिए इधर आया हूँ, वांगफो में आया हूँ, ग्रीन वैली बाबा। तो यहाँ भी अपने काफू में थोड़ा सा मैं लोकेशन चूज़ करने के लिए आया हूँ, तो ये दीदी से मैं थोड़ा सा सहयोग ले रहा हूँ, तो दीदी मुझे थोड़ा सा अपना सहयोग देंगे तो देंगे क्यों नहीं, जितना मतलब हमसे हो सकता है हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। जी, जी, जी। वैसे तो आपको पूरा मतलब किन्नौर जानता है, तो आप कौन मना करेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो, मेरी सौभाग्य की आप जैसे लोग हमें जानते हैं, तो खुश नसीब समझते कि चलो जहाँ भी जाते हैं लोग थोड़े से हमें जानते हैं, उनका प्यार सम्मान मिलता है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा लोकेशन चूज़ करना था, तो इस बार मैंने फर्स्ट जो लोकेशन चूज़ किया वो यहाँ वैली को किया था। तो मुझे लगा कि मैं आपसे थोड़ा सा सहयोग लूँ, क्योंकि मैं भी आपके वीडियोस वगैरह देखता था, तो फिर मुझे लगा मैं आपसे संपर्क कर लूँ। जी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग मतलब इस तरह से करते हैं ना, हमें हमारे को भी इतनी खुशी होती है कि आप लोग किन्नौरी कल्चर को इतना आगे ले जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया मतलब इस चीज़ को जान रही है, तो हमारे को भी गर्व होता है आप लोगों जैसे कलाकारों पे। चलो, हमारा जो कल्चर है वो तो खैर विश्व में वैसे भी प्रसिद्ध है, वो खैर कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें भी गर्व होता है कि हम उस कल्चर से मतलब संबंध रखते हैं जिस कल्चर को विश्व में सबसे एक रिच माना जाता है। जी। हमें बहुत ही अच्छा लगा मतलब इनसे बात करते हुए। तो चलिए हम चलते हैं लोकेशन के लिए। मैं पहले ले जा रही हूँ घर की तरफ, जो कि आप लोगों को भी पता लगेगा कि जिनको पता नहीं है, जो मेरे नए व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है। तो चलते हैं आगे घर की तरफ। हम लोगों का बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम जो चेंज हो चुका है, इनको लोकेशन मिल चुका है आगे की तरफ, और साथ में पीछे बैठे हैं कैमरामैन। बहुत अच्छा डांस करते हैं आप, मैं भगवान कसम से देखा ना, बहुत अच्छा करते हैं आप, है ना। बस आप लोग आगे से आगे जाए, बस यही हम चाहते हैं, आप लोग हमारे कल्चर को आगे से आगे ले जाए। ओके जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके जी, नमस्कार। ठंडी के है ना, ये है अपने कैमरामैन ना साहिल जी, और ये है मेरे साथ मनीष कानपा, किन्नौरी संगीत में सबसे खूबसूरत चेहरा मनीष का नंबर। जब पट्टू लगाते हैं ना किन्नौरी, उसमें बहुत ही अच्छा। अभी भी सारा वही लगा के हम करेंगे। ये जो मैं ससुराल जाती थी ना, वही देखती थी, क्योंकि यहाँ पे तो केबल का वो नहीं है, तभी मैंने आप लोगों को वहाँ पे मेरे ससुर जो है ना लगा के रखते थे, उसमें तो हमारे पुराने पुराने लगते रहते थे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। ये थे दोस्तों किन्नौर के जाने माने कलाकार, लेकिन मुझे अभी घर पहुंचते ही पार जाना है झरने के पास, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पानी कम हो चुका है। तो झरने में जब कम होता है पानी, तो यहाँ पे जो फिश टैंक के लिए जो पानी लाया है पाइपों में, उसका जो लेबल भी है ना वो भी जो है कम हो जाता है, एक वाले पाइप में कम आ रहा है। तो मैं वहाँ पर जाके जो भी मिट्टी कंकड़ जो पत्थर है जो भी है उसको हटा लूँगी, तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी, ऐसा नहीं है। चलो, पहले ये रास्ता इतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन जो झरने का जब भी पानी बढ़ जाता है या बरसात में ना, यहाँ से मतलब मिट्टी सारी हट जाती है और इस तरह से जो है ना पत्थर निकल जाते हैं। तो अभी इस वक्त झरने का जो पानी है इतना है, कम आ रहा है। तो जब भी पहाड़ों में आए ना दोस्तों, इस तरह से जो ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को, इस पर ना जाए, क्योंकि ये जो है ना स्किट करता है, फिसल जाते हैं, जिससे हमारे को चोट भी लग सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि भाई नीचे से आते हैं, लोगों को पता नहीं होता इस बारे में, तो वो एकदम से जो है स्किट करके गिर जाते हैं। ये जो पेड़ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, जामुन का पेड़ है, ये देखो पक चुका है, लेकिन वहाँ तक चढ़ने के लिए बहुत ही जो है ना मुश्किल, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, क्योंकि इसमें भी फिसल सकती हूँ, क्योंकि ये पेड़ जो है ना पूरी तरह से गिल्ला हो चुका है। तो बस देखते ही रहना पड़ेगा जामुन का फल। कुछ जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कुछ ना थोड़ी सी कड़वी कड़वी होती है, ये पता नहीं कैसा होगा। बस मैं अब पहुंचने वाली हूं झरने के पास। तो झरना जो है ना घर के पास से दिख जाता है, बिल्कुल सामने की तरफ है। तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था ना, वहां पे 4-5 लड़के देखे थे, वहां पे आए हुए थे, तो उन्होंने यहां पे देखो दोस्तों किस तरह से चिप्स कुरकुरे मैगी डिस्पोजल्स इस तरह से फेंक के रखा है। अगर मैगी मुगी खाना है तो घर पर बैठ के आराम से खाओ भाई, इस तरह से गंदगी ना अगर हमारे को जीना है ना, प्रकृति को भी जीवित रखना पड़ेगा, तो इस तरह से गंदगी ना फैलाए, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है।
तो टैंक तो इतना गंदा नहीं हुआ है, लेकिन जो पानी है ना, वो जो इस अरे वाले जो टैंक के लिए जो पानी का जो सोर्स बनाया है ना, वो उसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो इतने कंकर आए हैं यहाँ पे पत्थर, तो मुझे उसको इस तरह से हटाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा नहीं है पहले की तरह, पहले तो बहुत सारा होता था, और जिन्होंने देखा है मेरे वीडियोज़ को उन्होंने देखा होगा, पहले भी मैं जाती थी, लेकिन आजकल बरसात है ना, थोड़ा पानी इतना ठंडा नहीं होता, इतना ठीक ही है पानी, लेकिन सर्दियों में सर्दियों में तो इतना ठंडा होता है ना, बर्फ़ जमा होता है, फिर भी जाना पड़ता है पानी को ठीक करने के लिए। और जब भैया होते तो भैया जाते हैं, जब मैं होती तो मुझे ही जाना पड़ता है। और जो परली तरफ को जो पानी जा रहा है, तो उसको मुझे रोकना है, पर बाहर को नहीं जाने देना है, अंदर को आने देना है पानी। तो जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा शौक की आवाज़ आती है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो को ना म्यूट करके रखा है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो देखने में। तो पानी तो मैंने ठीक कर दिया, यहाँ से मैं आप लोगों को अपने गाँव का व्यू भी दिखाई देती हूँ। जब मैं यहाँ पहुँची गई हूँ, तो ये है हमारा घर, और अरे और ऊपर पीछे की तरफ जो है ना, ये हमारे पड़ोसी हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को अपना प्यारा सा गाँव भी दिखाई देती हूँ। ये है मेरा गाँव होमते, और आप देख सकते हैं आजकल हरियाली है, बस कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद तो यहाँ पर घास कटाई शुरू हो जाती है। वैसे तो कटाई शुरू हो गई है, और यहाँ पे 2 महीना जो है ना घास की ज़बरदस्त कटाई होती है, जो सर्दियों के लिए जो गाय पशु भेड़ बकरियों के लिए जो घास काटना पड़ता है, आजकल ही काटना पड़ता है। और वैसे भी आजकल पता है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा है, बारिश होती रह रही है, जिसके कारण जो है ना घास सूखना भी मुश्किल हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे घर के साथ ही ना, पुराने घर के साथ ही ऐसा लगता है ना, साथ साथ में ही है जो है बाबा खड़। तो आजकल तो वैसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये ऊपर जो दिखा रही हूँ पहाड़ सा, इसको बोलते हमारा कंडा है, जो कि शोलिंग के नाम से जानते हैं। वैसे तो जंगल में ना क्या कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक बूटी के बारे में मुझे भी नॉलेज है, इसको बोलते हमारे किन्नौरी में लाए पचंग, जो कि ना पत्री का ना रामबाण माना जाता है। अंदर जाके देखती हूँ टैंक में ना क्या चल रहा है, पानी का लेवल कैसा कैसा है। तो पानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ पर तीनों टैंकों में बराबर पानी है। घास भी है यहाँ पे सुखाया हुआ, ये भी उठाना पड़ेगा, अभी हम लंच करने के बाद ही उठाएंगे यहाँ से नीचे, यहाँ से परे भी। और मम्मी को पहले टेंशन हो गई है घास उठाने की, तो पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उठाते हैं। अब आ गया, अभी क्या कर सकते हैं, खाना तो खाना ही पड़ेगा। आए नंग व्यवस्था, झरने का पानी भी बढ़ गया, थोड़ा तो छोड़ा उन्होंने पानी, इतना ज़्यादा नहीं था, सुबह टाइम पानी कम होता है ना, फिर उस वक्त जाना पड़ता है। तो चलिए खाना खाते एक बार हम भी, अंधेरा हो गया तो अब हम क्यों नहीं हुआ, यहाँ देख बादल कैसे, मौसम खराब हो गया, बारिश होगी तो प्राण की बातें, नाराज़ हो गए दोनों, हमेशा खाने का ही लगा रहता है इन दोनों को, चॉकलेट 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 चाहिए, जूस चाहिए। अभी कहाँ गई, बारिश हो रही है। दीदी मैं आपका बड़ा चॉकलेट खा रहा हूँ। नहीं 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 बाल, ये आप खाओ, उसको रहने दो, बार बार छोड़ना का प्राहिल, आप अच्छे बच्चे हो, चॉकलेट छुपा के नहीं रखती है। आजा आजा, ये हाफ हाफ खाएंगे, दे उसको भी दो, इसको भी दो, से दो, ए देना ये प्राहिल, मैं करूंगी, आप इधर दो, हां दोनों प्राहिल इधर दो, फिर जो देगा वो दोनों को मैं दूंगी। जब ये खा रहा था प्राहिल सिद्धि, आप उसमें क्या कर रही थी, आप नहीं खा के, अच्छा अल अब मेरी दीदी ड्राइंग कर रही थी, ओके ओके ओके, मेरी फ्रॉक वाली, मेरी फ्रॉक वाली, आ जाओ मेरी फ्रॉक वाली लड़की, आ जा
ये सीधी सुनती है, बहुत अच्छी लड़की है ये। आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा इसको ना, इतनी प्यारी इतनी अच्छी बच्ची है ये। जंठो टाइल दे चल, फिर देख, मैं जूस नहीं दूंगी। हाँ दो दीदी को भी दो, शाबाश। हाँ मैं हाफ ऑफ करके देती हूँ, ठीक है? मुझे शेयर भी नहीं, मैं हाफ ऑफ करके देती हूँ दोनों को, ठीक है? अच्छा आप करो, दीदी दीदी करेगी। दीदी का चोको है ना ये, प्राय ये चोको नहीं खा रहा है, ये खाएंगे हम। ये माता श्री और हम दोनों खाएंगे। एक क्रंची होता है ना तभी रो रहा है ये। एक तेरा एक मेरा, कैसे ले रहा है? अब रोना नहीं। ओके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ए पेट्टू।